हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपकी नई वीडियो के साथ आया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप बीएससी सेकंड ईयर में हैं तो जूलॉजी का मैं फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ। जी हाँ, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर ले आया हूँ। 2020 में आने वाले क्वेश्चन, 2020 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन यहाँ दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी? एमजेपीआर, ठीक है ना, जो 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 4 मार्च को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, केवल 10 क्वेश्चन आपको यहाँ याद करके जाना। और यहाँ से आपको लगभग बता दूँ 5 से 6 क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को रट लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, टिक लगा लो फटाफट, बुक खोलो, किताब खोलो, कुछ भी खोलो, ठीक है ना, जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, उनसे जो भी तैयारी कर रहे हैं, दिनेश हो, प्रतिभा हो, किसी को हो, खोलो फटाफट, ठीक है, लगा लो। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बेलोग्लॉसिस का आंतरिक संरचना पूछी जाती है, अल्ट्रास्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है, इसके आंतरिक जो आंतरिक संगठन है वो देखना है, और आंतरिक संरचना वगैरह सब कुछ आई जाती है संगठन में ही, ठीक है ना। तो ये देख लेना है। उसके बाद में इसका एक लार्वा होता है, वो होता है टोनेरिया लार्वा। कौन सा होता है? टोनेरिया लार्वा। तो वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। बेलोग्लॉसिस का लार्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में बनता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये वाला, जो एम्फोक्सिस है, एम्फोक्सिस देखिए, एम्फोक्सिस का मतलब क्या होता है? एम्फोक्सिस को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो एम्फोक्सिस, या तो आपसे पूछ लेगा एम्फोक्सिस का पाचन तंत्र बताइए, या उत्सर्जन तंत्र पूछ लेगा, या पूछ मुझेगा रुधिर परिवहन तंत्र। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो रुधिर परिवहन तंत्र और पाचन तंत्र पूछता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपको मैं 3 दे रहा हूँ, तीनों में से कम यहाँ तो 3 दे रखे हैं, ये तीनों देख लेना ध्यान से, और यहाँ से एक अंग आने वाला है। और हील, जो हील अंग है देखिए, और या फिर इसे हम कह सकते हैं ब्रेकियोस्टोमा, देखिए ब्रेकियोस्टोमा पूछ लेगा, या फिर या फिर आप या तो ब्रेकियोस्टोमा का पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या रुधिर परिवहन तंत्र, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, या फिर आएगा एम्फोक्सिस का। ज्यादातर एम्फोक्सिस का आता है, लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए वो आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ का मतलब एक ही होता है, मतलब ठीक है ना, इसे 2 चीज़ों नाम से जाना जाता है, वो हो गया है। और इसका हील अंग जरूर देख लेना, जो हील अंग है, हील ऑर्गन, ठीक है ना, व्हील हील ऑर्गन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम में। और इसके बाद में आपको नीचे जाना है, ये देखिए, जो देखिए, जो हार्डमानिया है, हार्डमानिया का लार्वा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हार्डमानिया की बाहर संरचना देख लेना है, कैसा है वो, कैसे रहता है, स्वभाव कैसा है उसका, ठीक है ना, हैबिट हैबिटेट सब कुछ देख लेना है। उसकी आहार नाल देख लेना है, हार्डमानिया की बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बनता है, हार्डमानिया से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। और रुधिर परिवहन देखिए, रुधिर परिवहन तंत्र ये देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में वैस्कुलर सिस्टम देख लेना है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद में आ जाता है हार्डमानिया, देखिए हार्डमानिया का एक जंतु है, कौन से संघ में रहने वाला, हार्डमानिया कौन से संघ का जंतु है, आपको ये पता होना चाहिए, कौन सी फैमिली का है, ये आपको बताने के वाला है आपको। देखिए यूरोकार्डेटा, अब जाते ही जब यूरोकार्डेटा आ जाता है, तो यूरोकार्डेटा के लक्षण देखने पड़ेंगे और वर्गीकरण कैसा है, क्योंकि जो हार्डमानिया है तो उस लक्षण के मतलब फैमिली के अंतर्गत आता है, उस फैमिली का पूरा गढ़ वगैरह जो होता है सब कुछ आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, फिर हार्डमानिया के देखिए टैडपोल लार्वा, इसका लार्वा देख लेना है, ठीक है ना। जो टैडपोल लार्वा देखिए, एक मैंने ऊपर बताया था, ये लार्वा, ये ऊपर वाला लार्वा, ये टोनेरिया लार्वा, ये तो ये पूछा जाएगा बेलोग्लॉसिस वाला, या फिर पूछेगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला टैडपोल लार्वा। बस यहाँ 2 लार्वा में से एक का मारने वाला है, दोनों हो सकते हैं, दोनों ही आ जाएं, लेकिन रट लेना है इन क्वेश्चनों को, रट लेना है। अंडे की संरचना वगैरह, अंडे की संरचना वगैरह सब कुछ देख लेना है, इसका महत्व क्या है। उसके बाद में सीधे नीचे जाने जाना है, सरीसृप के समान लक्षण क्या होते हैं, जो सरीसृप हैं उनके सांप होते हैं, जो छिपकली वगैरह होते हैं, उनके समान लक्षण क्या है, उनको लक्षण देख लेना है बस। उसके बाद में आपको जानते हो विष दंत क्या होते हैं, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक विषैले सर्प के विष उपकरण, जो दंत दंतन यंत्र होता है, वो पूरा आपको बता देना है या वर्णन कर देना है। सांप का तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना, जो स्नैक है उससे क्वेश्चन आते हैं, विषैलेहीन सर्प है, और क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन आपको 100% बनने वाला एग्जाम में, विषैले और विषहीन सर्प का अंतर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। और जो न्यूटेनीकरण के वो छोड़ों के कारण कितने होते हैं, और यहाँ आपको एक्सोलोटल, ये भी नहीं आएगा, लार्वा वर्ण का वर्ण, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है खास इतना, और मैं आपको बता दूं, सारी बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद में दोस्तों सीधे यहाँ पहुँच जाना है, और यहाँ आपको लगाना है स्तनधारियों के दंत संरचना है, दंत विन्यास है, उनका वर्णन कर देना है, परिवर्धन कर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। परिवर्धन के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना, उसके बाद में नीचे चले जाना है, पृथ्वीरिया के समान लक्षण मत देखना, और देखिए देख के जाना है सब कुछ, लेकिन एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत ना है, यदि आ जाए तो कर देना, ठीक है ना। और हेमिकार्डेटा के लक्षण, हेमिकार्डेटा के लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना हेमिकार्डेटा के लक्षण, ठीक है ना। और समुद्र में मछली वगैरह तो कुछ जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आपको आ जाता है सेक्लोग्लॉसिस, देखिए सेक्लोग्लॉसिस टिप्पणी छोड़िए, यहाँ ये वाली आपको बहुत ज़्यादा आवाज आता है, हिप्पो, नहीं ये भी नहीं पूछा जाता था, एक मिनट।
और ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, ये वाला पादप विहीन उभयचर, ठीक है ना, उभयचर का टिप्पणी जिसे हम इंग्लिश जो बुक वाला जाता है वो एंथियो एंथियोफिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो या इस प्रकार से आ सकता है और किसी भी उसे पूछ सकते, वो किसी भी या तो आपको पादप विहीन उभयचर पूछ लेगा या फिर पूछेगा एक्थियो जो फिश होता है वो किस प्रकार से होता है, एक्थियोफिश के बारे में पूछ लेगा। तो एक्थियोफिश आपके बारे में बता देना है, बस टिप्पणी लिख देना है। और आपको हिप्पोकैम्पस को देखिए, हिप्पोकैम्पस ये वाला देख लेना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन इतना देख के चले जाना, और ये मछली देख लेना है एक वाली, ये वाली फुफ्फस मछली का होती है, बस इतने क्वेश्चन आपको याद करके चले जाना है, ठीक है ना। तो टिक लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं, और इनको याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से, पक्के याद कर लो कि यहाँ से बनने वाले हैं 6 से 7, मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चन पक्के बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा 20+ क्वेश्चन पक्का है, 20+ नंबर यहाँ से पक्के हैं। आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए और पेपर देने के बाद मुझे बताइए कैसा गया आपका पेपर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक लिए टाटा।